हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th सोशल साइंस सब्जेक्ट में, ये हमारा 18 नंबर का चैप्टर है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्टरी पैरा, उसके बाद जो पोस्टल सिस्टम थी, टेलीग्राम, नेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर एंड रेडियो के बारे में हमने देखा था। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारा पॉइंट है टेलीविज़न, तो उसके बारे में देखें। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑडियो विजुअल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ऑडियो विजुअल मीडियम क्या है? टेलीविज़न। न्यूज़ ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ यदि देखनी है तो टेलीविज़न पर आप देख सकते हो। फिल्म्स, सीरीज, एजुकेशनल प्रोग्राम प्रेजेंटेड थ्रू द टीवी एट योर होम, घर पर ही आप ये देख सकते हो, आप सभी को पता है। लेटेस्ट न्यूज़ और लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ वेरियस स्पॉट्स आर सीन। लेटेस्ट न्यूज़ एंड लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ वेरियस स्पॉट, वो भी आप लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हो स्पॉट का। नेक्स्ट, मोबाइल फोन की बात करें, एट प्रेजेंट मोबाइल फोन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं। वन पर्सन कैन कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन थ्रू द मोबाइल फोन फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन के साथ क्या कर सकता है कि कम्युनिकेट कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो मोबाइल फोन के द्वारा। अब मोबाइल फोन हैज़ द फैसिलिटी ऑफ अ क्लॉक। मोबाइल फोन के अंदर कई फैसिलिटी आती है, जिसके आपके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, क्लॉक, ऑडियो विजुअल प्लेयर, टॉर्च, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रेडियो एट्सेट्रा। विथ इट्स हेल्प वी कैन टूक रेलवे, बस, सिनेमा टिकट। अभी मोबाइल फोन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रेलवे, बस, सिनेमा टिकट बुक करवा सकते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट यूज इन द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर हम है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम कई सारी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल फोन हैज बिकम एन एसेंशियल टूल फॉर द वेरियस नीड्स इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम्स के अंदर कई सारी ज़रूरतें है वो ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए ये एक एसेंशियल टूल बन चुका है। उसके बाद बात करें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज वेरी यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मैन मेड, इन इट इज प्लेस्ड इन द स्पेस, स्पेस में छोड़ा जाता है। डेली न्यूज एंड वेदर इंफॉर्मेशन है वो हम सैटेलाइट के थ्रू है वो सैटेलाइट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। वेरियस डिवाइसेस टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फोन के अंदर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल रिसोर्सेस है हिडन इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर भी जो मिनरल रिसोर्सेस है, वाटर है तो कौन सी जगह पर है, वो सब कुछ है वो कितना है, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। We can now the distance and the way from our home and the another place. आज के टाइम के अंदर है हमें अपने घर से या दूसरे प्लेस तक का यदि हमें डिस्टेंस मालूम करना हो तो हम है वो डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ द कंट्री। डिफेंस सेक्टर में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो मैनी नीड्स अरोज अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इनिशियली द बेसिक नीड्स, इनिशियली शुरुआती दौर में बेसिक नीड्स फूड, वाटर एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पाइसेस वेर पैरामाउंट। एज द नीड ऑफ द सोशल एंड कल्चरल मैटर अरोज ओवर द
टाइम। अब ये नीड्स है, वो नीड्स क्या होती गई, तो के धीरे धीरे है वो कल्चरल मैटर के साथ, सोशल मैटर के साथ है वो बढ़ती गई। रिक्वायरमेंट फॉर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज, अभी ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या होती गई, बढ़ती गई। एंड चेंजेस आए फॉर द अर्लियर पोस्टल सिस्टम फैसिलिटी लाइक टेलीफोन, पेजर, मोबाइल फोन, फैक्स, ये है वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने लगा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड मैनी न्यू चेंजेस इन द प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी हैज़ इवन स्टार्टेड टू बी यूज इन न्यूज़पेपर एज वेल। न्यूज़पेपर के अंदर भी हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आता है। अर्लियर लेटर वेयर द अरेंज फॉर द प्रिंटिंग द न्यूज़पेपर, पहले के टाइम पर क्या करना पड़ता था कि न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए लेटर्स है उसको लेटर्स को अरेंज करना पड़ता था, बट आज के टाइम के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करते हुए है वो टाइपिंग करके कंप्यूटर में वो उसके बाद प्रिंट करवा सकते हो। अर्लियर वी यूज टू डायल बाय द रोटेटिंग मोबाइल टेलीफोन डायल, अभी पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो कॉल लगाने के लिए पूरा का पूरा जो नंबर है वो घुमाना पड़ता था, बट इन प्लेस दैट वी कैन नाउ कॉन्टैक्ट अनदर पर्सन बाय द प्रेसिंग द नंबर, बट आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हम नंबर दबा कर ही क्या कर सकते हैं कि दूसरे से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। A new invention of walkie-talkie has taken place. It is the mostly used by the police. Walkie-talkie का इस्तेमाल invention हुआ और ये walkie-talkie का invention police के द्वारा है, ये mainly police के द्वारा ज़्यादा इसका इस्तेमाल walkie-talkie का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। The faster a human being thinks, the speeder he can propagate it. Tools of communication such as a TV, radio, projector, computer, mobile phone, etc. all have come through the technology and they are changing by day. अभी जो means of communication TV, radio, projector, computer, mobile phone ये सभी है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आए और नाउडेज इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है, वो चेंजेस आ रहे हैं। पीपल कैन सी द कम्युनिकेट विद द ईच अदर थ्रू द मोबाइल फ़ोन और द कंप्यूटर, लोग हैं वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट है वो फ़ोन और कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। लेटर कैन बी डिलीवर्ड टू द अनदर प्लेस बाय इमीडिएटली थ्रू द ईमेल और द फैक्स, हम लेटर है वो लेटर इमीडिएटली वन प्लेस टू अनदर है वो भेज सकते हैं किसके थ्रू, तो के ईमेल या फैक्स की मदद से। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव डेवलप्ड मोर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की यूज़ के साथ है वो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। Television program has begun to change. Agriculture information can be obtained quickly. हम agriculture information है वो quickly हम प्राप्त कर सकते हैं accurately through the artificial satellite की मदद से, यह possible है। News, movie, serial, educational program, advertisement and information of flood, earthquake and hurricane can be obtained. अभी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, कम्युनिकेशन के मीडियम के थ्रू हम जो नेचुरल डिजास्टर है तो नेचुरल डिजास्टर की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अर्थक्वेक, हैरिकेन, फ्लड, इन सब की इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। The mobile phone is not only used for the calling but also for the exchanging messages. Mobile phone है वो mobile phone का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ calling के लिए नहीं but message को exchange करने के लिए भी किया
जाता है। अ वैरायटी ऑफ द सोशल मीडिया ऐप फॉर द मैसेजिंग, अ ब्राउजर फॉर द सर्चिंग इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन द मोबाइल फोन। द एडवेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्स हैव ब्रॉट, कई सारे इस तरह की ऐप है वो कई सारे बदलाव लाते हैं सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डेमोक्रेसी के अंदर देखे द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज इंक्रीजिंग टू द इम्पोर्ट इंफॉर्म द पीपल अबाउट द हैपनिंग इन द कंट्री। जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। इट कैन ईजिली कंप्लीट और टैक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क्स डन बाय द गवर्नमेंट टू द चेंज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अभी जो भी वर्क गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है उसके बारे में भी इन्फॉर्म करता है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कम इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क्स बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट लाइक द एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा कैन बी ऑब्टेंड थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इन सभी फील्ड्स के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, तो फील्ड्स के रिलेटेड गवर्नमेंट ने काम किया है, कितना किया है, कैसे किया है, ये सभी है वो हम जान सकते हैं। ऑपोजिशन पार्टी पॉइंट आउट द फ्लॉ इन द वर्क्स एंड एक्टिविटी डन बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट आल्सो मॉनिटर्स द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट है वो इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी मॉनिटर भी करता है। गवर्नमेंट आल्सो ऑब्जर्व हाउ द न्यूज़ ऑन द रेडियो एंड टीवी विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। गवर्नमेंट है ये भी देखती है कि रेडियो या रेडियो या टीवी पर जो न्यूज़ दिखाई जा रही है उसकी इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पर किस तरह की पड़ती है। इट शुड बी चेक बाय द एवरी सिटीजन वेदर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द सोशल मीडिया प्रेजेंट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉट। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, तो कि सभी सिटीजन की रहेगी कि जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है ये सभी है वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।